कंप्लेंट मिली थी लड़की से कि इनकी अराउंड अक्टूबर 2020 में इंस्टाग्राम में एक व्यक्ति से दोस्ती हुई। उन्होंने अपना नाम तब गोलू बताया था और ये बताया था कि वो हिंदू है, और इसके चलते उन्होंने फ्रेंडशिप रखी। अभी रिसेंट में जब उन्हें पता चला कि ये गोलू जो है ये एक्चुअली शाहरुख है और मुस्लिम है, तो इन्होंने ब्रेकअप करना चाहा। हवेवर वो ब्रेकअप नहीं करना चाह रहे थे, वो उनको फिर भी बात करने के लिए और उनका पीछा और फ्रेंडशिप जारी रखने के लिए कहते थे। तो हमने अभी इस पे FIR दर्ज करी है और अरेस्ट भी कर लिया है शाहरुख को। क्या मैम कोई धमकी? कंप्लेंट में ये वाला एंगल भी आया हुआ है कि कुछ ऑब्सीन वीडियोस भी बनाए हैं और धमकी दी थी उसको अपलोड करने की अगर वो बात ना करे। हवेवर अपलोड नहीं करी है, धमकी दी थी केवल, और हमने उसका मोबाइल फ़ोन वगैरह सीज कर लिया है, उसकी भी जांच करेंगे। आरोपी मैम आपके पास है, आपने अरेस्ट कर लिया है, उससे पूछताछ हुई होगी, क्या वजह अब तक क्या सामने आई कि उसने इस तरीके से झूठ बोला, अपने आप को गलत तौर पर दिखाया? क्लियर कट अभी नहीं सामने आ पाया है कि क्यों उन्होंने ऐसा किया, बट नज़दीकी बढ़ाने एक्सेप्टेंस के लिए उन्होंने अपना PID बनाया। आरोपी का प्रोफाइल क्या है, मतलब क्या? वो 22 साल के हैं, 10th पास हैं और सीलमपुर में ही एक टेलर की शॉप में कटिंग का काम करते थे। कुछ ऐसा हो रहा है कि कुछ और लोगों के साथ इसकी अभी तक जो आए हो जांच में कि और लोगों से ऐसी दोस्तियां इसकी रही हैं? अभी ये कर रहे हैं हम इन्वेस्टिगेशन, ऐसा कुछ है फर्दर इसमें, ऐसा धर्म परिवर्तन वाला कोई एंगल नहीं है अभी तक, कोई लव जिहाद वाला एंगल नहीं है। मेरी इंस्टाग्राम से बात हुई थी 2020 में, उसने मेरे से गोलू बन के बात की थी। उसके बाद जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो मैं अपनी मम्मी को देखने के चक्कर में उससे मिल नहीं पाती थी, तो उसने गुस्से में आके मुझे अपना असली नाम बताया था, शाहरुख खान है। उसके बाद वो मुझे धमकी वमकी देने लगा, मेरे कॉलेज के पास भी पहुँच गया था, उधर भी छीनादानी की। उसके बाद फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट की तो वो गिरफ्तार हो गए। इसके पहले उसने कभी नहीं बताया कि वो कौन है? जी नहीं। अच्छा, आप उसे कहाँ मिलने जाती थी, मतलब घर पे बुलाता था तो पता लगा कि नहीं कि हिंदू है मुस्लिम है कौन है? जी नहीं, नहीं पता लगता था। अच्छा, कंप्लेन कब हुई थी? कंप्लेन जून में हुई थी। अच्छा, अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, तो उसके बाद आप कभी कोई बात, उसके घर में किसी ने कोई बात की, आपको धमकी उमकी मिली उसके बाद? जी नहीं।